वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। और देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और ये हमारा आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 है। ठीक है, इससे पहले 9 अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखा है तो जाकर उनको ज़रूर देख लेना। एवरी सिंगल वीडियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और देखिए यहाँ पर हमारा जो है, आपको फिर से बता दूँ हमारा आज का कॉन्टेंट क्या है, तो GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर, इन सभी टॉपिक को मिलाकर, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है बिल्कुल NTPC के पैटर्न के ऊपर। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सभी क्वेश्चन हमारे MCQ में है, तो अपना खुद का प्रैक्टिस सेट लगा कर चलना बिल्कुल ऑनेस्टली। पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको हम बोलने की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, और ये अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 19 जो है ये हमारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी आपके NTPC के एग्जाम में ही आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भाषण स्वतंत्रताएँ। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो देखिएगा अनुच्छेद 76 ये दर्शाता है हमारे भारत के महान्यायवादी को, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही होगा, भारत के महान्यायवादी को संसद हटा नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? और ये क्वेश्चन आपके RRB JEE से लिया है मैंने, अभी आपका RRB JEE का एग्जाम हुआ था उसके अंदर टेक्निकल पार्ट पूछा गया था, साइंस पूछी गई थी, और कुछ जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के भी थे, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिया है जो अभी 2019 में हुआ है। तो सतलुज नदी ऐसी है जो यमुना से परे की नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर इसका बिल्कुल हमारा सही होगा। और देखिएगा फिर से बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचता नहीं है, सजेशन में वीडियो जाता नहीं है। और उसके बाद अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ना, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिल्ड एम बाज़ार किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके RRB बल्कि SSC के भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, CHSL में आ चुका है, CGL तक के एग्जाम में आया है, और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गिल्ट एवं बाजार संबंधित है, और ये सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 1/3 यानी कि 1/3 भाग ऐसा है भारत का भूमि का जो कि सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक खरपतवार है? तो खरपतवार कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, उम्मीद है आपने आंसर भी बिल्कुल सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 8 सॉरी, वह उत्तक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती, तो जिसमें कभी थकान नहीं आती वह कौन सी होती है? हृदय पेशी तंतु होता है, हृदय कभी भी थकता नहीं है, ये 24 आवर जो है अपना वर्क करता रहता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है अक्सर कि कौन से अमल के इकट्ठा होने से हमको थकान महसूस होती है, तो वो कौन सा अमल होता है? लैक्टिक अमल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो वीडियो को ज़रूर रोकें। तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है? और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का है, और अभी हाल ही की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपके NTPC या फिर रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में ही, क्योंकि इसमें रेलवे के बारे में ही डिस्कस हो रहा है कि जो रेलवे सुरक्षा बल है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल सही है। 12 देखिएगा, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और देखिए जितना भी करंट अफेयर मैंने लिया है आज और जितनी पुरानी वीडियोस में जो करंट अफेयर लिया है वो आपके रेलवे की किसी ना किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा,
100% कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है और 100% किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसको मिला है? एस सौम्या को मिला है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है, 5वीं DRDO की प्रयोगशाला, ठीक है, DRDO की प्रयोगशाला है और कौन से नंबर की है? तो ये है 5th, उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 52वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो देखिएगा 52वें ऑस्कर पुरस्कार की जो लिस्ट है उसके अंदर जो है नॉमिनी हुई है इंडिया की फिल्म, वो आपको बताना है कौन सी फिल्म का जो है नामांकन हुआ है, कौन सी फिल्म नॉमिनीज है 52वें ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो वो है द लास्ट कलर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और देखिए ये एक इंडियन फिल्म है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन की ही बात हो रही है कि भारत की कौन सी फिल्म है जो 52वें ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो द लास्ट कलर। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन है वो 89वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 14 वर्ष हो तो उसको कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, अगर उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है तो ही उसको आप कारखानों में ले सकते हैं, यानी कि उससे कोई काम करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन मैंने आपके RRB के ही एग्ज़ाम से लिया है, एग्ज़ाम करेक्टली याद नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम से लिया है, तो बुग्याल एवं प्यार, ठीक है, बोलते हैं उत्तराखंड में उसको जो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो यह हुआ है काली मिट्टी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और देखिए इस जलप्रपात पे महात्मा गांधी बांध भी बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो पहली बात कौन से स्टेट में है, तो यह है कर्नाटक में। नदी भी पूछा जाता है, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, गरसोप्पा जलप्रपात है और महात्मा गांधी सेतु इसी जलप्रपात पर बना है और शरावती नदी पर बना है, ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और यहाँ पर एक कोयला भी मिलता है जिसका नाम है लिग्नाइट कोयला, ध्यान रखेंगे, और लिग्नाइट कोयले को हम कौन सा कोयला बोलते हैं? भूरा कोयला, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वो की थी बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। आप ऐसे याद रखेंगे RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्रों में सुधार के लिए है। 22, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन आप WTO से अच्छा समझेंगे, 1995 में स्थापना हुई थी इसकी, बट इसको पहला क्या नाम था इसका, इसको हम पहले बोलते थे GATT, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, GATT सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। 23, मछलियों के हृदय की विशेषता है? तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन भी आता है मछलियों के ऊपर, मछलियाँ कहाँ से सांस लेती हैं? गलफड़ों से सांस लेती हैं, और मछलियों के हृदय की जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। एक और क्वेश्चन आता है, मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं? तो मछलियाँ पानी में उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो देखिएगा अनाज वाले पौधे हैं ग्रैमिनी कुल से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। मालवेसी में कपास आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, सोलेनेसी में आलू बैंगन। क्वेश्चन नंबर 25, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1828-1829 के मध्य। 26 है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद आपको कांग्रेस को समाप्त कर देना है। 27, निम्न में से कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है, तो इस देश में बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हुई हैं, महिलाएँ जो हैं फिल्म थिएटर में बैठ के फिल्म देख सकती हैं, ठीक है, आप कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये देश कौन सा है, सऊदी अरब है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अब ये भी जो है मॉडर्न पद्धति के ऊपर आधारित होने जा रहा है देश और धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो कुछ भी बड़ा चेंजेस हो रहा है तो आप उसका आंसर जो है मोस्टली सऊदी अरब करेंगे अगर आपके ऑप्शन में सऊदी अरब आएगा। 28, विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी कौन से देश ने की, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, और इसकी मेजबानी इस बार की है भारत ने, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 29 है, गूगल ने 27 सितंबर 2019 को अपनी स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो गूगल की स्थापना 27 सितंबर को हुई है, सन था हमारा 1998, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इन्होंने अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 30, नासा के किस उपकरण द्वारा ली गई तस्वीर से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के बारे में पता चला है, तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा LROC। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो गाइज ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।